गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल केएन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम लोग नए प्रश्न लेके आए हैं जिनका संबंध भारतीय राज व्यवस्था से है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनके साथ में कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कई प्रश्न बनते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप प्रश्न के साथ में ऑप्शन को ऑब्जर्व करें, फिर मेरे ऑप्शन से मैच करें, जिससे आपको ये कंटेंट क्लियर होगा कि कितना आपको फैक्ट याद है, को कितना नया आपको मेंटेन करना है, याद करना है। और जो कंटेंट है उस कंटेंट को चाहे आप रिवाइज करके याद करें या आप राइट डाउन करें, आपके अनुसार है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, गीत जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया। यहां पर देखो एक पॉइंट ये है कि ईयर में ऑप्शन दिए गए हैं, कई बार डेट के साथ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है। यहां पर आंसर होगा आपका 1950, सी ऑप्शन। 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, मूल भाषा बंगाली। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह 26वां अधिवेशन था, जिस अधिवेशन में प्रथम बार जनगणमन गाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। क्लियर। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस कंटेंट को। यहां पर आंसर क्या होगा, डी 1911। डेट अगर हो तो 27 दिसंबर 1911। किसकी अध्यक्षता में, तो विशन नारायण धर। यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा जॉन लॉक, ए ऑप्शन। जॉन लॉक एक आंग्ल दार्शनिक हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं। इनका मानना था, इनके जो समय में, जो इनकी शताब्दी है, 17वीं शताब्दी के हैं ये, उस समय प्रजातंत्र जो लोगों के अधिकार थे वो राजा के सिद्धांतों से उनका क्लेश चल रहा था, टकराव चल रहा था। संपत्ति राज्य का अधिकार न होकर, राजा का अधिकार न होकर, बल्कि राज्य संपत्ति के लिए बनी, इस बात के लिए बात थी कि संपत्ति राज्य की नहीं बल्कि राज्य संपत्ति का है। इनका मानना था राज्य संविदा का परिणाम है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें होती हैं और ये शर्तें परिस्थितियों के अनुसार घटाई बढ़ाई या बदली जाती हैं, और इन शर्तों को बदलने में जो सर्वोच्च इच्छा है, जो सर्वोच्च इच्छा शक्ति है, वो जनता की होती है। तो प्रोफेसर जॉन लॉक ने राज्य संपत्ति पर अपना सिद्धांत दिया, और जिन पर उनका मानना था कि संपत्ति राज्य के लिए नहीं अपितु राज्य संपत्ति के लिए बनता है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे किससे चुने गए थे। ऑप्शन, ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, गलत। विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित, बिल्कुल सही। विधान संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभिन्न विधानसभाओं से चुने गए थे। अब अगर यहां पर आंसर ये हो जाए, क्या संविधान सभा पूर्णतः चयनित थी, इलेक्टेड थी, तो गलत है, क्योंकि पूर्णतः नहीं थी। संविधान सभा के मेंबर थे 389, जिसमें से 296 इलेक्टेड थे और 93 रियासतों से नॉमिनेटेड थे। तो आंशिक इलेक्टेड और आंशिक नॉमिनेटेड, यानी चयनित भी थी और नामित भी थी, दोनों स्वरूप थे। तो इसमें 296 में से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत के थे, बाकी 93 आपके रियासतों से थे।
इसके आगे आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कांग्रेस की कितनी सीटें थी, मुस्लिम लीग की कितनी थी, अदर कितने थे, तो उन पर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति, देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्षता दी गई श्री सच्चिदानंद सिन्हा को। यहां पर आंसर होगा ए, श्री सच्चिदानंद सिन्हा। सेवाइन के अनुसार वह कौन सा दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन का एक बेसिक अर्थ है कि ऐसा कौन सा दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य का प्रयोग किया, राज्य शब्द का अपने लेखन में प्रयोग किया, तो राज्य के लिए सबसे पहले प्रयोग किया है किसने? आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन डी, निकोलो मैकियावेली, इटली के राजनीतिक दार्शनिक थे, पुनर्जागरण के पुरोधा माने जाते हैं, मैकियावेली की एक प्रसिद्ध रचना है द प्रिंस, क्लियर, और द प्रिंस के साथ इन्होंने अपने व्याख्यान में स्टेट शब्द का प्रयोग किया है, तो आंसर होगा डी, मैकियावेली। सेकंड, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? देखो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए, तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष क्या होगा? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? देखो संविधान सभा द्वारा जो समिति गठित की गई थी वो समिति थी 27, क्लियर। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए, तो 27 में से 10 समितियां सिर्फ प्रक्रिया संबंधित थी, उनका संबंध संविधान के निर्माण से नहीं था। संविधान निर्माण के लिए जो समिति बनी थी वो 17 थी, उनका विषय सभा के द्वारा चुनी गई थी, तो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए कितनी समिति बनी? 17, तो आंसर होगा सी यहां पर। अगर यहीं पर होता प्रक्रिया संबंधी के लिए कितनी समिति बनी तो आंसर होता 10। संविधान सभा की कुल समितियां कितनी गठित की गई थी? तो 27, क्लियर। तो यहां पर आंसर आपका कितना होगा? 17, सी ऑप्शन। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहां पर देखो धर्म निरपेक्ष का मतलब किसी भी एक धर्म का पक्ष न लिया जाए, अर्थात ऐसा देश या ऐसा राज्य जो किसी एक धर्म को बेस ना करता हो। यहां पर अगर ऑप्शन देखेंगे हम लोग कौन सा आंसर होगा, सभी नागरिकों के कानून के सामने गलत, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं, बिल्कुल सही बी ऑप्शन होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित कथन किसका है? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यहां पर अधिकार राज्य की मांग करते हैं यह कथन किसका है, तो आंसर होगा सी, थॉमस हिल ग्रीन का। यह कथन किसका है बेटा? थॉमस हिल ग्रीन का। वास्तविकता में देखो तो यह कथन जिस व्यक्ति का है उसका तो ऑप्शन ही नहीं है, कथन यह है बारकर का, परंतु बारकर की विचारधारा को मानने वाला जो व्यक्ति है इस ऑप्शन में वो है थॉमस हिल ग्रीन, इसलिए आंसर क्या होगा? थॉमस हिल ग्रीन, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी दर्शन के अनुरूप है? मार्क्सवादी दर्शन के अनुरूप कौन सा है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ये देखो ऑप्शन कैपिटलिस्ट हो गया, मार्क्सवादी कभी कैपिटलिस्ट ऑप्शन नहीं होगा। राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए है, गलत। राज्य एक साध्य है, गलत। राज्य शोषण का एक उपकरण है, बिल्कुल सही, राज्य शोषण का एक उपकरण है, ये मार्क्सवादी दर्शन के अनुरूप है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा डी। रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित सर्वोच्च शक्ति के विचारों में सामंजस्य किसने स्थापित किया? तो रूसो और ऑस्टिन के विचारों में जो सामंजस्य, जो एक स्वरूप, एकता स्वरूप लाने का कार्य किया था वो थे आपके थॉमस हिल ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन रूसो और ऑस्टिन के विचारों में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अभी हम लोगों ने एक पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, 389 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में
संवैधानिक सलाहकार था। देखो संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन आपका होगा डी, बी एन राव थे। बी एन राव ही वो हैं जिन्होंने संविधान का सबसे पहला प्रारूप बनाया था, बी एन राव ने। क्वेश्चन कभी पुटअप होता है कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो कभी भी ऑप्शन उसमें भीमराव अम्बेडकर जरूर होगा लेकिन आंसर होगा बी एन राव। क्लियर। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो यहां पर देखो किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व होगी। अगर हम लोग बात करें जनसंघ की, तो जनसंघ 21 अक्टूबर 1951 को स्थापित हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको स्थापित किया और जनसंघ ही वो पार्टी है जिससे 1980 में भारतीय जनता पार्टी अलग होकर के बनी। क्लियर। तो जनसंघ तो गलत हो गया, स्वतंत्रता की बात की है। स्वतंत्रता पार्टी की बात करो तो यह भी स्वतंत्रता के बाद की है, 1959 में स्थापित हुई, 1959। सी राज गोपालाचारी ने इसको स्थापित किया। सी की बात करें भारत का साम्यवादी दल, बिल्कुल सही आंसर। स्वतंत्रता के पूर्व बना था कम्युनिस्ट पार्टी। क्लियर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा 26 दिसंबर 1925 इसकी स्थापना कानपुर में एमएन राय के द्वारा की गई थी। आंसर होगा सी। निम्नांकित में से कौन सा मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है? मार्क्सवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत है, स्व अनुभूति का सिद्धांत ये मार्क्सवादी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। भौतिकतावादी व्याख्या मार्क्स की है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स की है, लेकिन स्व अनुभूति का जो सिद्धांत है सेल्फ रियलाइजेशन वो है सिगमंड फ्राइड का। सेल्फ रियलाइजेशन का जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड का है, ये मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है। भारतीय संविधान की व्याख्या की जा सकती है। देखो भारतीय संविधान उदार है, सही है, लेकिन भारतीय संविधान कठोर भी है, तो यहां पर ए और बी ऑप्शन तो नहीं हो सकते, सी ऑप्शन होगा, उदार एवं कठोरता का मिश्रण। क्लियर। भारतीय संविधान उदार भी है और कठोर भी है, तो सी ऑप्शन होगा। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत, देखो भारत की जो विशेषता है संविधान की, वो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी न्यायिक व्याख्या। भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? न्यायिक व्याख्या। तो यहां पर आंसर होगा हमारा बी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए? तो यहां पर सदस्य हमारे कितने उपस्थित थे? 284। इसका आंसर होगा ए, 284। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, कि 26 नवंबर को जब संविधान पर सिग्नेचर किए गए, हस्ताक्षरित हुआ संविधान हमारा, तो हमारे यहां पर्सन कितने सदस्य उपस्थित थे? तो आंसर होगा 284। क्लियर। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, चुनी जाती है तो उसका उत्तरदायित्व तो होता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? बी, उत्तरदायी सरकार। संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार होती है वो हमेशा उत्तरदायी सरकार होती है। एक सरकार के संघात्मक या एकात्मक होने का आधार क्या है? देखो संघात्मक और एकात्मक अर्थात यहां पर दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें तब संभव हैं जब वो देश राज्यों का देश हो तो संघ बनेगा वो। क्लियर। एकल नागरिकता के साथ में एक प्रशासन कार्य करता हो तो एकात्मक बनेगा। तो राज्य और केंद्र के मध्य अगर संबंध स्थापित है तो वो संघात्मक और एकात्मक होने का आधार है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? बी, राज्य व केंद्र के मध्य संबंध। क्लियर। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 13 दिसंबर 1946 को हुआ, गलत, क्योंकि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट गलत हो गया। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल सही है। आंसर इसके यहां पर क्या हो जाएगा? बी। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा 8 समितियों का गठन किया गया, गलत है। संविधान निर्माण हेतु कितनी समितियां बनी थी? 17 समिति। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 15 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, गलत है। क्लियर? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। देखो यहां पर शब्द आया गणराज्य, हम लोग एक पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। गणराज्य वो होता है जिसका अध्यक्ष कभी भी वंशानुगत नहीं होता। तो यहां पर पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसका अपना लिखित संविधान है, ये भी ऑप्शन गलत है। गणराज्य का इससे कोई संबंध नहीं है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, कोई संबंध नहीं गणराज्य से। उसके राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बिल्कुल सही। उसका राज्याध्यक्ष चुना जाता है, ना कि वंशानुगत होता है। आंसर होगा डी। सूची सुमेलित कीजिए। मूल अधिकार, संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, नीति निदेशक तत्व। तो यहां पर देखो कौन सा अधिकार किस देश से लिया गया, हम इसका कंटेंट पहले नोट कर लेंगे तो इसका आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। तो मूल अधिकार किस देश से लिए गए, आपने कंटेंट नोट की, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा किसने मिले हैं। तो मूल अधिकार मिला है यूएसए से। संसदीय प्रणाली यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से। नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से। तो ए के नीचे आएगा 2 और बी के नीचे आएगा 1। देखो पहला ऑप्शन 2-1 आंसर मिल गया हमें, सी। हम सी यहीं से टिक कर सकते हैं क्योंकि दूसरे किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर मिलाना चाहें तो सी के नीचे 4 जर्मनी ठीक है और डी के नीचे 3 आयरलैंड, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन, सी आंसर होगा मेरा। प्रस्तावना से हम क्या समझते हैं, मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है? बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना से मौलिक अधिकारों की जानकारी नहीं। संविधान की संक्षिप्त जानकारी, बिल्कुल सही। प्रस्तावना एक संविधान के स्वरूप का एक दर्पण का कार्य करता है। प्रस्तावना ही यह निर्धारित कर देती है संविधान किधर की ओर जाएगा। तो संविधान की संक्षिप्त जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? प्रस्तावना से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा बी। क्लियर? आज यहीं तक। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। क्लास चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।